मेरे को मीठे बाल डालना भाई। चुनावी नतीजों से पहले आज सीएम जयराम ठाकुर ऐतिहासिक रिज और माल रोड की सैर करते नजर आए। प्रदेश चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा भी उनके साथ मौजूद थे, साथ ही कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आशियाना के पास सीएम जयराम ठाकुर ने गोलगप्पे का स्वाद लिया। सीएम जयराम ठाकुर ने इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत की। पहले लिया है ना तो रुकी की है। नहीं एक बार कितने खिलाते थे तो छे हम भी हम गा के ना तेरे को मुफ्त थोड़ा खा रहे हैं, तू क्यों दोहरा रहा है, तू हमें दो दो खिला के क्यों तोड़ रहा है, एक मीठा अपना स्मूथ साल करियो क्योंकि गया एमएलए साहब इधर आओ ना आपको मिक्स कुछ दे कितने से आजकल सेल हो जाती है, आते हैं लोग। हाँ जी हाँ जी तो आ रहा है ना। ले राणा जी के लिए मीठा ले, मीठा मीठा मीठा। एक दूसरा ले आवे हरे वाला मीठा है वो दे दो, इधर दे दो मीठा, इधर डाल दो सेल साहब, वो हरे वाला बना दो, यहाँ डाल दो कोई नहीं कोई नहीं। और कल गिनती है और मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि बहुत जोश के साथ मतदान में हिस्सा लिया है और अब की बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है आज तक का सबसे ज़्यादा। और उसके बाद कल जब गिनती होनी है तो इसलिए मुझे लगता है कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा की सरकार बनने के लिए सारे संकेत आपके सामने जो एग्जिट पोल के माध्यम से आए हुए हैं, अधिकांश एग्जिट पोल भाजपा की फेवर में गए हैं और अब की बार जो हमने बात कही है कि निश्चित रूप से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में फिर जीत के लिए कितना आश्वस्त है क्योंकि कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है सरकार बनाने का हिमाचल। दावा करने के स्वाभाविक रूप से जिन्हें चुनाव लड़ा वो सब दावा करते हैं, लेकिन हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि अब की बार अलग परिस्थितियों का दौर है।